Don't forget to subscribe the channel and also hit that like button. अपने मोबाइल का लेटेस्ट फर्मवेयर डाउनलोड करके रख लीजिए, जस्ट इन केस आप अगर आपका मोबाइल बूट लूप में फंस गया तो उसको रिकवर करने के लिए आपको फर्मवेयर दोबारा से इंस्टॉल करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 3 ऐसे तरीके जिससे आप मोबाइल को रूट कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक लैपटॉप की और कुछ सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, लैपटॉप आप अपना भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी से बोरो कर सकते हैं। बूट लोडर अनलॉकिंग से आपका डाटा डिलीट हो सकता है। ये प्रोसेस शुरू करने से पहले अपने डाटा का बैकअप बना लें, बाद में मेरे को नहीं बोलना भाई। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें अपने मोबाइल में डेवलपर्स मोड ऑन करना है। उसके लिए हमें अपनी मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। रेडमी में डेवलपर मोड ऑन करने के लिए आपको MIUI वर्जन पे 5 बार टैप करना होगा। उसके बाद एडिशनल सेटिंग में आपको सबसे नीचे डेवलपर मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, डेवलपर्स ऑप्शन करके आपको वो ऑन करना है। उसके बाद OEM बूट लोडर को ऑन करना है, वो आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा। मेरे मोबाइल का OEM बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक्ड है। उसके बाद आपको USB डिबगिंग भी ऑन करनी होगी। बिना USB डिबगिंग के ADB ड्राइवर्स आपके मोबाइल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते और आप अपने मोबाइल में रिकवरी नहीं इंस्टॉल कर पाएंगे। उसके बाद आपको ADB ड्राइवर्स डाउनलोड करने हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। माई और Xiaomi के मोबाइल को अनलॉक करने के लिए आपको MI अनलॉक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। MI अनलॉक को डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करना है और जब आप उस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे तो आपको अपने MI अकाउंट से उसमें लॉगिन करना। आपको अपने सिस्टम पे MIUSB ड्राइवर भी इंस्टॉल करने होंगे जो कि MI अनलॉक के साथ ही आते हैं। अपने मोबाइल को अनलॉक करने के लिए आपको अपने फ़ोन को फास्ट बूट में कनेक्ट करना होगा। फास्ट बूट में जाने के लिए आप अपने मोबाइल को बंद करें और पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को 5 सेकंड तक दबाएं। जब MI अनलॉक आपके मोबाइल को डिटेक्ट कर लेगा, आपको अनलॉक वाले बटन पर क्लिक करना होगा। आफ्टर अनलॉक आपको अपने मोबाइल को रीबूट करना है। आपका मोबाइल अब अनलॉक हो चुका है। अब आप इसमें कस्टम रिकवरी और मैजिस का आप डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। TWRP हर मोबाइल के लिए अलग होती है। TWRP डाउनलोड करने के लिए सिंपली गूगल पर सर्च करें TWRP फॉर आपके मोबाइल का नाम और फर्स्ट लिंक पर आपको TWRP की रिकवरी मिल जाएगी। TWRP रिकवरी डाउनलोड करने के बाद आपको उस रिकवरी को ADB वाले फोल्डर में डालना होगा। मोबाइल कनेक्ट करने के बाद CMD में टाइप करें ADB डिवाइसेस। इससे आपका मोबाइल कमांड प्रॉम्प्ट में डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद टाइप करें ADB रीबूट बूट लोडर। इससे आपका मोबाइल फास्ट बूट में बूट हो जाएगा। उसके बाद आपको टाइप करना होगा फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी recovery.image और TWRP.image जो भी आपकी रिकवरी का नाम होगा। उसके बाद रिकवरी आपके सिस्टम में फ्लैश हो जाएगी और आपके मोबाइल में कस्टम रिकवरी इंस्टॉल हो जाएगी। कस्टम रिकवरी से आप मजिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं और आपका डिवाइस रूटेड हो जाएगा। TWRP इंस्टॉल करने के बाद आप मजिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको मजिस्क की इमेज फाइल चाहिए जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उसको अपने इंटरनल स्टोरेज में कॉपी कर लें, वहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा। इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप स्टोरेज स्विच कर सकते हैं, मजिस्क फाइल को इंस्टॉल कर सकते हैं।
अगर फर्स्ट मेथड आपके काम नहीं आया तो आप सेकंड मेथड ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए root.img फाइल, magisk.img फाइल और magisk manager। root.image फाइल को फ्लैश करने के लिए कस्टम रिकवरी। root.img फाइल आपके फर्मवेयर के फोल्डर के अंदर होगी। सबसे पहले हम magisk manager को ओपन करेंगे और फर्स्ट वाले ऑप्शन से root.img फाइल को पैच करेंगे। पैच करने के लिए पहले magisk.img फाइल डाउनलोड होगी, उसके बाद आपको root.img फाइल को फाइल मैनेजर से सिलेक्ट करके उसको पैच करना होगा। उसके बाद रीबूट करना होगा रिकवरी मोड में और उसको फ्लैश करना होगा जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है। अगर पहले दो मेथड आपके काम नहीं आए तो आप तीसरा मेथड ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए root.img फाइल, उसको हम अपलोड करेंगे इस वेबसाइट में। अपलोड करने के बाद हमें सेलेक्ट करना होगा इंक्लूड magisk और पैच करने के बाद ये फाइल हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी, जिसको हमें TWRP से दोबारा से फ्लैश करना होगा। फ्लैश करने के बाद आपके सिस्टम में magisk इंस्टॉल हो जाएगा, जिसको आप magisk मैनेजर से एक्सेस कर सकते हैं। magisk इंस्टॉल करने के बाद आप magisk के मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हैं, साथ में ही आप बहुत सारे एडिशनल फीचर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। Thanks for watching this video guys. Don't forget to subscribe the channel and also hit that like button.